दोस्तों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में राजकुमार हिरानी की फिल्म की अनोखी कहानी देखने को मिल रही है। ब्रिटेन जाने की ख्वाहिश रखने वाले पंजाब के कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए इजाजत नहीं मिलती क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। इसके बाद ये सभी दोस्त मिलकर अंग्रेजी से पंगा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि रास्ते में बेवजह जान गंवानी पड़ सकती है। फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान का एक हिट फॉर्मूला भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। डंकी के ट्रेलर में दिल छू लेने वाली कहानी तो नजर आ ही रही है। विदेश जाने के लिए भाषा को लेकर जो लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, वो एक बड़ा मुद्दा इस फिल्म में राजकुमार हिरानी के द्वारा उठाया गया है। शाहरुख खान ट्रेलर में एक डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं और वो डायलॉग ये है कि 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे, जब ये लोग यहाँ गए तो हमने तो उनसे नहीं पूछा था कि उन्हें हिंदी आती है या नहीं। फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान के कई अलग अलग अवतार देखने को मिल रहे हैं। इसमें शाहरुख ने जवान का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, ट्रेलर में दिखाए गए विकी कौशल के मोनोलॉग सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो अंग्रेजी की व्याकरण से जुड़े हुए शब्द बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की जोड़ी वाली फिल्म ये 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान पहली बार विकी कौशल और तापसी पन्नू के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए लोगों को नजर आने वाले हैं। फिल्म में रोमांस, ड्रामा और एक्शन से भरपूर दिखी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या लोगों को जवान की तरह शाहरुख खान की इस फिल्म को भी प्यार देते हैं या नहीं, और लोगों को शाहरुख खान की ये एक्टिंग इस फिल्म में लोगों को कितनी पसंद आती है, और शाहरुख खान जो जवान का फॉर्मूला इस फिल्म में अपना रहे हैं वो कितना जादूगर साबित होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जनसंदेश टाइम्स।